सो एक दो दिन में नया साल शुरू होने वाला है और मैं जस्ट देख रहा था कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए, और मुझे लगा कि ईयर एंड के टाइम ब्लूटिक या वेरिफिकेशन जो इंस्टाग्राम पे है, इसके बारे में थोड़ी सी बात की जाए। बिकॉज आई नो आप में से काफ़ी लोग एक बार को आप सोचते होगे कि क्या करना है, ये सब ऐवें ही है, कोई भी लोग पैसे दे के ब्लूटिक ले लेते हैं। बट कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये होता होगा कि मेरी भी प्रोफाइल वेरीफाइड होनी चाहिए, और आपने थोड़ा सर्च भी करा होगा। तो इस वीडियो में मैं अपनी नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ आपके साथ इनसाइट्स शेयर करने वाला हूँ, जिसके बाद आपको ये वेरीफाइड प्रोफाइल से कुछ प्रोफाइल, मैं सारी प्रोफाइल की बात नहीं कर रहा, भरोसा उठ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये ब्लूटिक हमें चाहिए क्यों, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और क्यों लोग इसके लिए, मैं बताऊंगा आगे, पैसे देते हैं इस ब्लूटिक के लिए। आई थिंक सबसे पहला जो मेरे माइंड में आता है पॉइंट, वो है आप नॉर्मली किसी भी पोस्ट में देखोगे, किसी सेलिब्रिटी का या कहीं भी आप देखोगे पोस्ट, जो ब्लूटिक वाले कमेंट्स होते हैं ना, वो सबसे ऊपर आपको दिखेंगे। उससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, आपको विजिबिलिटी ज़्यादा मिल रही है, आपको ऐसे लोग भी देख रहे हैं आपका कमेंट जिन्होंने पहले शायद आपका नाम भी नहीं सुना होगा। तो हाँ, वो बहुत बड़ा बेनिफिट है कि अगर आप ऐसे पोस्ट पे कमेंट कर रहे हो जहाँ पे लोग कमेंट्स देख रहे हैं और आपका सबसे ऊपर दिख रहा है, तो आपको वो एक विजिबिलिटी का बेनिफिट मिल जाता है। उसके अलावा अगर मैं बेनिफिट सोचूं, कई लोगों के माइंड में पॉइंट होगा कि अगर हमें ब्लूटिक मिल जाता है तो बहुत सारे ब्रांड्स हमारे पास आ जाएंगे और हम बहुत पैसा कमा सकते हैं स्पॉन्सरशिप करके। जितना मुझे पता है, मैंने 5 साल इसी फील्ड में जॉब करी है, पीआर एंड डिजिटल मार्केटिंग में, ये जो ब्लूटिक वाला फंडा है ना, ये आपको कुछ ऐसा नहीं है कि आप अगर एक वेरीफाइड प्रोफाइल हो तो आपको लाखों में पैसा मिलेगा, ब्रांड डील्स आती जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब काम करता है कि आपकी ऑर्गेनिक रीच कितना है। आज के टाइम में सारे ब्रांड्स को सब पता लग चुका है, वो ऑर्गेनिक रीच देखेंगे, एंगेजमेंट कैसा है, और आप कितने उनकी टारगेट ऑडियंस को ऑर्गेनिकली रीच आउट कर पा रहे हो। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ब्लूटिक का ये कोई फायदा नहीं है। तो मेरे हिसाब से यही एक फायदा है। दूसरा बेनिफिट हो सकता है, आप किसी को रीच आउट कर रहे हो मैसेजेस में या कमेंट्स में, तो उनको इजीली नोटिस हो जाएगा, अदरवाइज आई डोंट सी एनी बेनिफिट। बट अब हम आते हैं सबसे मेन पॉइंट पे कि ये वेरीफाइड प्रोफाइल होती कैसे हैं। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं, सारे ब्लूटिक प्रोफाइल्स या वेरीफाइड प्रोफाइल्स ऐसा नहीं है कि वो कहीं से पैसा खिला के या कुछ करके वेरीफाई हो रहे हैं। ये जो वेरीफिकेशन है ना, ये आपको समझना ज़रूरी है, इंस्टाग्राम पे कोई मैन्युअली बैठ के वेरीफाई नहीं करता, ये सब एल्गोरिथम बेसिस पे काम करता है। अभी एल्गोरिथम क्या है, अगर मैं इंस्टाग्राम में अप्लाई करता हूँ वेरीफिकेशन के लिए, जो मैं 3-4 बार कर चुका हूँ, चारों बार वो रिजेक्ट हो चुका है, उसका रीज़न क्या है, आप नॉर्मली अपने प्रोफाइल में जाके आप अप्लाई कर सकते हो वेरीफिकेशन का। अब वहाँ पे जो आप डिटेल्स देते हो अपना नाम, और वहाँ पे आपसे ये भी पूछते हैं कि फेमस या नोन बाय जो आपका नाम जिससे आप जाने जाते हो, और आपका एक आईडी प्रूफ लेते हैं। अब होता क्या है, वो बेसिकली गूगल क्रॉल करते हैं और भी सर्च इंजन क्रॉल करते होंगे एल्गोरिथम, जहाँ पे वो ये देखा जाता है कि आपके नाम से किन किन ट्रस्टेड और हाईली रैंक वेबसाइट पे आपके नाम पे आर्टिकल्स गए हुए हैं। अब मैं कुछ नाम नहीं लूँगा, बट जो टॉप वेबसाइट्स हैं वहाँ पे अगर आपका नाम आता है, आपके आर्टिकल्स होते हैं, तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं वेरीफाई होने के। अब यहाँ पे होता क्या है, जो मैं बात कर रहा था कि आप इजीली कुछ एजेंसीज को पैसे देके ब्लूटिक और वेरीफाइड करवा सकते हो अपना प्रोफाइल, वहाँ पे होता क्या है कि जैसे ही आप थोड़ा आपके फॉलोअर्स बढ़ने लग जाएंगे, आप कि एजेंसीज में आप नोटिस होने लग जाओगे। मुझे भी इन द पास्ट काफ़ी मेल्स आए हैं कि आप हम आपका प्रोफाइल वेरीफाई करा सकते हैं, और जब वेरीफाई हो जाएगा तब हम आपसे पैसे लेंगे। तो वहाँ पे कुछ गलत नहीं है, आई थिंक एथिकली वो लोग भी गलत नहीं है, जस्ट दैट जो एल्गोरिथम बनाया गया है उसका एक हैक निकल चुका है, जो कई लोगों को पता है। वो लोग क्या करते हैं, आपसे 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, जितना भी वो चार्ज करेंगे, एंड दे विल हेल्प यू गेटिंग फ्यू आर्टिकल्स ऑन हाईली रैंक्ड वेबसाइट्स। तो वहाँ पे क्या होगा कि आपके नाम से कुछ आर्टिकल चले आएंगे, आपकी इंटरव्यूज़, आपके कोट्स या कुछ भी करके, बेसिकली मल्टीपल वेबसाइट्स में आपके आर्टिकल्स आ जाएंगे आपके नाम से। और अब जब आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करोगे और जब एल्गोरिथम रन होगा, क्रॉलिंग होगी, तो आपका नाम नोटिस होगा और आपका वेरीफाई होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये इलीगल नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट कि एक एल्गोरिथम है। जैसे आप यूट्यूब का देखोगे, जो ट्रेंडिंग लिस्ट होती है, उसका भी क्या है कि वो एकदम से एंगेजमेंट देखते हैं, जो भी एल्गोरिथम होता है उस बेसिस पे रैंक ऊपर करता है ट्रेंडिंग में। आपको पता है काफ़ी फेमस यूट्यूब क्रिएटर्स हैं जो कभी भी ट्रेंडिंग में नहीं आते, वो एक रीज़न है। तो इंस्टाग्राम में भी यही है, एल्गोरिथम है, इट्स जस्ट दैट जिन लोगों को पता है उसके साथ कैसे प्ले अराउंड करना है, दे आर जस्ट चार्जिंग फॉर दैट प्रीमियम। तो यही पॉइंट है। अब लास्ट में क्वेश्चन आता है कि क्या इसका रिक्वायरमेंट है,
मैं अपने पर्सपेक्टिव और अपने व्यू शेयर करूंगा। मुझे नहीं लगता या मैं इन फ्यूचर पैसे देके वेरीफाई नहीं कराऊंगा, बिकॉज जितना मैं देख रहा हूँ हर कोई आजकल वेरीफाइड हो रखा है इंस्टाग्राम पे। इट्स वेरी इजी, आप कुछ पैसे दे के अपने आर्टिकल्स डलवा के वेरीफाई हो सकते हो। उसका बेनिफिट क्या आपको उतना मिलेगा बिजनेस पर्सपेक्टिव से, शायद कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बट एज एन इंडिविजुअल एज अ क्रिएटर आई डोंट थिंक ऐसा कुछ बेनिफिट है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा आइडिया यही था। नया साल शुरू हो रहा है 2021, इंस्टाग्राम पे हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं, हम कंटेंट डालते हैं, बट आई थिंक मैं अब अपने माइंड से ये चीज़ निकाल चुका हूँ कि अगर वेरीफाइड प्रोफाइल है मुझे उसके पीछे भागना है कि मैं वेरीफाई कैसे हो सकता हूँ। अगर आप अपना काम करते रहोगे ऑर्गेनिकली, अगर आप न्यूज़ में आ रहे हो, आपके ऊपर आर्टिकल्स आ रहे हैं, तो इन फ्यूचर आप वेरीफाई हो जाओगे, तो इतना कुछ बड़ी बात नहीं है वेरीफाई होना। दैट्स इट। बाकी आप लोग कमेंट करके अपने व्यूज ज़रूर बताना मुझे, बिकॉज आई वुड लव टू नो। और मैं हमेशा ट्रांसपेरेंट रखता हूँ, कुछ पॉइंट मैंने गलत बोला या कुछ मिस करा वो भी आप कमेंट में बता सकते हो। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। हम मिलते हैं 2021 में। मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ, बहुत सी वीडियोस प्लान्ड है, कुछ नया करेंगे। एंड दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ईयर। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।